दोस्तों कि आपका भी यहाँ पर फ्री फायर मैक्स पर कुछ तरह डेली अपडेट शो होता है, तो गाइस आप कैसे जैसे कि इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट सॉल्व कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊंगा। तो गाइस आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ तरह डेली अपडेट आता है। तो गाइस आपको कुछ भी नहीं करना होगा, यहाँ पर मैं अभी आपको फोन के स्क्रीन में ले जाऊंगा और गाइस वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको टिप्स फॉलो करना है, क्या सेटिंग फॉलो करना है। तो गाइस चलो अभी फोन की स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस मैं अभी यहाँ पर फोन की स्क्रीन में आ चुका हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपका भी वहाँ पर डेली अपडेट शो होता है, जैसे कि डेली अपडेट 23, 24, 8, 9 MB का कुछ तरह आता रहता है। तो गाइस आपका डाटा वेस्ट हो जाता है। तो गाइस आप कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कैसे सॉल्व कर सकते हो आज का इस वीडियो बताऊंगा। तो गाइस इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर अपना जो भी फ्लाइट मोड है तो गाइस उसको एक बार ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको फिर से गाइस अपना यहाँ पर फ्लाइट मोड को ऑफ कर देना है। कुछ इतना करने के बाद यहाँ पर ध्यान रहे अपना जो भी इंटरनेट कनेक्शन मोबाइल डाटा ऑन होना चाहिए, या तो गाइस आप वाईफाई हॉटस्पॉट यूज करते हो तो गाइस वो अच्छे से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना फोन का सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कुछ देर सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना तो यहाँ पर आपको ऐप्स मिलेगा, मैनेज ऐप लिस्ट कोई भी मिल सकता है। और गाइस यहाँ पर आपको कोई भी ऐप्स का सेटिंग शो नहीं होता है, तो गाइस आपको ऊपर सर्च बार मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है। और गाइस यहाँ पर आपको सर्च कर देना है ऐप्स, जैसे कि यहाँ पर मैं ऐप सर्च कर देता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को ऐप्स मिल चुका है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारा एप्लीकेशन शो हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पर आपको पता करना है फ्री फायर मैक्स, जैसे कि यहाँ पर मैं फ्री फायर मैक्स को पता कर लेता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पर मेरे को फ्री फायर मैक्स मिल चुका है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी फ्री फायर मैक्स शो नहीं होता है, तो गाइस आपको ऊपर सर्च करना है फ्री फायर मैक्स, जैसे कि यहाँ पर कुछ तरह यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स सर्च कर देना है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पर मेरे को फ्री फायर मैक्स मिल चुका है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ तरह जैसे कि सेटिंग ओपन हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आपको स्टोरेज मिलेगा, तो गाइस उसके ऊपर क्लिक करना है। आपका वहाँ पर इंटरनल स्टोरेज या तो गाइस स्टोरेज मिल सकता है, उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दो सेटिंग मिलेगा, क्लियर ओल्ड डाटा, क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस, क्लियर डाटा, क्लियर कैचेस, इन दो सेटिंग मिलेगा। तो बस यहाँ पर आपको क्लियर कैचेस करना है, क्लियर डाटा नहीं करना है। क्लियर कैचेस करने के बाद यहाँ से आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपका जैसे कि फ़ोन पर एक क्लीनिंग ऐप होगा, तो गाइस उसको कभी आपको ओपन ही नहीं करना है। जैसे कभी बार क्या होता है भाई लोग क्लीन करते रहते हैं अपने फ़ोन को, साफ करते रहते हैं, हैंग करता है इधर उधर, तो गाइस उसको ओपन नहीं करना है। जो भी थोड़ा बहुत फाइल होता है तो गाइस वो फाइल जैसे कि क्लीन हो जाता है, इसकी वजह से आपका फ्री फायर मैक्स पर बार बार रीड करना पड़ता है, इसलिए आपको उस ऐप्स को ओपन नहीं करना है। उसके बाद हो सके तो गाइस आपको क्या करना है, जो भी साइट का पावर बटन है उसको क्लिक करके रखना है थोड़ा देर। उसके बाद यहाँ पर आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो गाइस आपका फोन एक बार स्विच ऑफ होगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अपना इंटरनेट कनेक्शन देखना, सबसे पहले देखने के बाद यहाँ पर अपना फ्री फायर मैक्स को ओपन करते हो तो गाइस 100% यहाँ पर आपको फ्री फायर मैक्स ओपन हो जाएगा, कोई भी यहाँ पर आपको अपडेट का प्रॉब्लम शो नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर मेरा फ्री फायर मैक्स ओपन हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर मैं जैसे ही फ्री फायर मैक्स को ओपन करता हूँ तो गाइस मेरा यहाँ पर फ्री फायर मैक्स ओपन हो जाएगा। आप कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को फिक्स आउट कर सकते हो। तो चलो आज के इस वीडियो में कुछ इतना ही, फिर एक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।